के लिए एक ऐसे शेयर को लेके आया हूँ, एक ऐसे स्टॉक को लेके आया हूँ जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों इसके अच्छे परफॉर्म करने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये दोस्तों अब इस तरीके इसने तेज़ी पकड़ी है, तो इसके देखिए ये 100 के लेवल को पार करके अब कहाँ तक जाता है ये हमें भी देखना है दोस्तों। और देखिए एक दिन में देखा जाए तो देखिए कितना बड़ा मूवमेंट किया है इसने, 74.30 रुपये पे दोस्तों शेयर का प्राइस था 74.30 रुपये से दोस्तों कहाँ चला गया है 82 रुपये पे दोस्तों ये शेयर चला गया, और केवल एक दिन में 82 रुपये से ऊपर दोस्तों ये गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक दिन में इसने कितना रिटर्न दिया है, तो केवल एक दिन में 11% का रिटर्न दे चुका है। और यहाँ इसके जिस तरीके से एक दिन में 11% का रिटर्न दिया है, इसके आगे बहुत अच्छी उम्मीद की जा रही है। और देखिए एक्सपर्ट में इसको बहुत अच्छी तेज़ी के लिए बताया है, तो पिछले एक महीने की बात की जाए तो पिछले एक महीने में दोस्तों ये 72.35 रुपये पे दोस्तों हुआ करता था पिछले एक महीने पहले, और वहाँ से दोस्तों इसने 72.35 रुपये से दोस्तों ये पहुँचा 82.40 रुपये पे दोस्तों पहुँचा है। तो यहाँ आपको 13% का इसने 13.89% का इसने आपको रिटर्न दिया है एक महीने में। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी देखिए तेज़ी देखने को मिल रही है, और 13% का एक महीने में रिटर्न दे चुका है। अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने में कुछ खास नहीं रहा है, 78.70 रुपये पे शेयर का प्राइस था, और 4.70% का इसने रिटर्न दिया दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ से बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है, पिछले एक दिन में जो तेज़ी दिखाई है उसको देखते हुए। तो अगर पिछले एक साल को देख लिया जाए तो पिछले एक साल पहले ये दोस्तों अब इस समय 82.40 रुपये पे है, और पहले अगर एक साल पहले को देखा जाए तो 43 रुपये पे दोस्तों शेयर का प्राइस हुआ करता था, वहाँ से 87% का इसने 88% का लगभग इसने रिटर्न दिया है दोस्तों। तो यहाँ एक बहुत तेज़ी देखने को मिली है, पिछले एक साल में ज़्यादा अच्छा भी रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन ठीक ठाक है दोस्तों जिस तरीके का शेयर है। अगर दोस्तों मैक्सिमम देखा जाए तो देखिए दोस्तों मैक्सिमम इसने 930% का दोस्तों रिटर्न दे चुका है, 930% मैक्सिमम ये रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ से देखिए बहुत अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया है, लेकिन ऑल टाइम देखा जाए तो, लेकिन देखिए यहाँ से बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी आपको। देखिए किसी समय हुआ करता था ये दोस्तों 150 के लेवल को छू के ये लौटा था, तो देखिए इतना तो पहुंचना है ही, 150 के लेवल तक छू के लौटा था, वहाँ तक तो पहुंचना है ही। तो यहाँ आप तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए मार्केट कैप की बात करी जाए तो 4.5 करोड़ का मार्केट कैप है, और पी रेशियो 12.12 का पी रेशियो है दोस्तों, बहुत अच्छा पी रेशियो है, डिविडेंड भी कंपनी देती है। और यहाँ से देखिए ओपन हुआ था ये 74.45 रुपये पे ओपन हुआ, और प्रीवियस क्लोज रहा 74.15 रुपये का प्रीवियस क्लोज, अपर सर्किट लिमिट इसने लगाई है 88.95 की, और लोअर सर्किट लिमिट 59.35 की रही है। वॉल्यूम रहा है दोस्तों 4,24,94,244 का वॉल्यूम है दोस्तों, और VWAP की बात की जाए तो 83.05 की VWAP है, मार्केट कैप 4.5 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों, और 20-डे एवरेज वॉल्यूम 34,86,767 का 20-डे एवरेज वॉल्यूम है, 20-डे एवरेज डिलीवरी 7,70,687 की
20 डे एवरेज डिलीवरी है, बेटा फंड 76 का है दोस्तों। देखिए डिविडेंड यील्ड की बात करी जाए तो डिविडेंड यील्ड भी देखिए बहुत अच्छा है, 3.61 का डिविडेंड यील्ड है, पीसी 6.17 का है, पीवी 1.37 का है, सेक्टर पी 14.26 का है, टीटीएम ईपीएस 10.22 का है, बेटा 0.76 का है। फेस वैल्यू दोस्तों 10 रुपये की है, टीटीएम ईपीएस टीटीएम पी 8.07 का है, बुक वैल्यू पर शेयर 60.42 रुपये की है दोस्तों। देखिए दोस्तों कंपनी के नाम की बात करी जाए, कंपनी का नाम राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी का नाम है और ये फर्टिलाइज़र सेक्टर का दोस्तों शेयर है। दोस्तों 3 साल की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो 3 साल की परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही है, अगर 1 वीक का देखा जाए तो 11.41% का इसने अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों, और अगर इसकी 1 महीने का देखा जाए तो 15.79% का इसने अच्छा रिटर्न दिया है, और 3 महीने का देखा जाए तो दोस्तों 1.66% का इसने रिटर्न दिया है। अगर इस साल को जनवरी से अब तक की बात करी जाए तो 53.92% इसने दोस्तों तेजी दिखाई है, और पूरे साल की बात किया जाए 96.43% की इसने तेजी दिखाई है दोस्तों, और पिछले 3 साल में 30.23% की तेज़ी दिखाई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके देखिए ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों डिविडेंड इसने 2021 में एक बार 1.20 रुपये का डिविडेंड दिया है, 2.84 रुपये का डिविडेंड इसने 2020 में दिया था, और 2019 में 0.77 का पैसे का डिविडेंड दिया, और 2018 में 0.60 रुपये का डिविडेंड इसने दिया है दोस्तों। तो फाइनेंशियल की बात कर ली जाए, फाइनेंशियल कंपनी के स्कोर हैं 7,099 करोड़ का देखिए रिवेन्यू इसमें 2017 में रहा है इसका, और 2018 में देखा जाए तो दोस्तों 7,281 करोड़ का रिवेन्यू है, 8,885 करोड़ का रिवेन्यू देखिए दोस्तों 2019 में है, 9,697 करोड़ का रिवेन्यू दोस्तों 2020 में है। यहाँ से यहाँ तक तो देखिए 17 से 20 तक तो रिवेन्यू बड़ा है, अभी 21 में दोस्तों 8,281 करोड़ का रिवेन्यू है। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट 2017 में 179 करोड़ का प्रॉफिट रहा था दोस्तों, और वह 2018 में 78 करोड़ का प्रॉफिट रहा, 2019 में 139 करोड़ का प्रॉफिट रहा है दोस्तों, 2018 में 2020 में 208 करोड़ का प्रॉफिट रहा है नेट प्रॉफिट, और 2019 में 373 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए दोस्तों इसमें अगर 2018 को देखा जाए तो कई गुना पहुंच गया है नेट प्रॉफिट, और 2018 से भी 2020 से भी 2019 को 2021 को देखा जाए तो इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए इसका 75% शेयर इसके प्रमोटर के पास हैं, और 23.68% पब्लिक के पास हिस्सा है, और 6.46% दोस्तों डेल और फिल्प के पास 86.86% का हिस्सा है फिल्प के पास। तो यहां से देखिए दोस्तों प्रमोटर ने बहुत अपनी हिस्सेदारी बहुत अच्छी खासी बना रखी है, पब्लिक ने केवल 23.68%। अगर दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।